Hi guys, I am Arunendra Pratap Singh, faculty of English. Friends, today we are going to discuss a new topic of English language. That is question tag. तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें टॉपिक कौन सा होगा, वो होगा क्वेश्चन टैग। याद रखेंगे क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आता है। जैसे भी हमारे एग्जाम हुए हैं, इलाहाबाद एआरओ का हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ है, इसके पहले यूपी टेट का हुआ था, सुपर टेट हुआ है, ठीक है, या सी टेट का एग्जाम हुआ, जितने भी एग्जाम हुए हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। एसएससी में लगभग हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आता है, बैंकिंग के एग्जाम में भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बन के आता है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करके हम सीधे बात करते हैं पॉइंट पर, क्वेश्चन टैग है क्या और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरा देखो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है आज का क्वेश्चन टैग। टॉपिक क्या हमारा है आज का, टॉपिक है क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग है लिखा। देखो अब क्वेश्चन टैग पहले से मतलब समझो, क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो व्हेन एनी क्वेश्चन आस्क्ड विदाउट एनी क्वेश्चन वर्ड इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। जब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज ना किया जाए तो उसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी आंसर को कन्फर्म करने के लिए जो हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो रियल में क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन टैग का काम करता है। क्लियर, जैसे देखो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएंगे ये भी हम देखेंगे, क्लियर, और हम इसको पढ़ेंगे भी पूरा का पूरा। तो देखो जरा, जैसे मैं एक संकेत बोलूं आपसे कि वह जाता है, क्लियर, ये मैंने एक संकेत लिखा वह जाता है, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें जोड़ दिया ना, मतलब वह जाता है ना, तो जैसे मैंने बोला कि वह जाता है ना, अब क्या होगा, अब जिससे मैंने बोला कि वह जाता है ना वो बंदा क्या बोलेगा, यस या नो। तो अगर उसने यस या नो का आंसर दिया है, अगर उसने यस या नो में आंसर दिया है, इसका मतलब उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, केवल कंफर्म करने के लिए, क्लियर। तो जैसे लास्ट लग गया ना, क्या बन गया क्वेश्चन, जैसे देखो यहां पर वह गया था ना, तो जब मैंने ना लगा दिया तो तुरंत पहले क्या था, ये देखो वह गया था, ये एक सेंटेंस है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि वह गया था ना, तो क्या बन गया, ये बन गया क्वेश्चन टैग। तो याद रखें ये जो लास्ट में हमारा है ना वर्ड है, या फिर ये जो हमारा यहाँ पे लिखा था ना वर्ड है, ऐसा कोई भी वर्ड अगर लास्ट में आता है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगा होगा, याद रखेंगे, कभी पहले नहीं होगा। जैसे देखो वह जाता है ना, तो है ना कहाँ लगा, लास्ट में लगा है। वह गया था ना, तो कहाँ लगा है, लास्ट में लगा है। तो हमेशा याद रखेंगे पहली चीज, तो क्वेश्चन टैग ऑलवेज कम्स एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। हमेशा क्वेश्चन टैग सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। मतलब कि सेंटेंस ऐसे कुछ लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगा होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ये पूरा एक सेंटेंस एक ऐसे कंप्लीट लिखा होगा, क्लियर। ये जो लास्ट में ये क्या हमारा टैग का काम करेगा, और ये हमारा एक सेंटेंस है। जैसे देखो अगर हम इसको करें इंग्लिश में ट्रांसलेट तो क्या बोलेंगे, वह जाता है, क्या हो गया, ही गोज। वह गया, इसका क्या हो गया, ही वेंट। अब हमें इंग्लिश में लगाना क्वेश्चन टैग, हमें क्वेश्चन पूरा नहीं बोलना, हमें क्या करना है, केवल एक टैग का इस्तेमाल करना जिससे समझ में आ जाए कि हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। अब जरा देखो ही गोज, इसका बनेगा क्वेश्चन टैग डजंट ही। अभी ध्यान सुनेंगे सभी लोग, इसका बनेगा डजंट ही और इसका बनेगा डिडंट ही। इसका क्या बनेगा, डिडंट ही। अब जरा देखो ये जो डजंट ही है, ये ही गोज का क्वेश्चन टैग है, क्लियर। यहां पर डिडंट ही क्या है, ही वेंट का क्वेश्चन टैग है। मतलब बोला गया वह जाता है, जैसे बोला गया डजंट ही, इंग्लिश में क्या बन जाएगा, वह जाता है ना, ही वेंट, वह गया ना, वह गया था ना, तो क्या बन जाएगा, ही वेंट, और आगे क्या बन जाएगा, डिडंट ही। अब एक बात याद रखोगे, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग है, ये क्या हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है, क्लियर। ये जो हमारा पूरा पूरा ये क्या है, ये सेंटेंस है, ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा है, क्लियर। ये हमारा क्या है, ये जो ही वेंट लिखा, ही गोज लिखा, ये हमारा क्या सेंटेंस है, डजंट ही और डिडंट ही, ये हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन टैग, क्लियर। जरा इसको मिटाते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं पूरा, ठीक है। अब जरा देखो इसको फिर से एक बार, समझो मैंने बोला यहां पर मैंने बोला ही goes
और क्वेश्चन टैग इसका बना दिया क्या, डजंट ही, क्लियर, ये बन गया। यहां पे मैंने लिखा था ही वेंट और इसका जो क्वेश्चन टैग बना वो क्या बन गया है, वो बन गया है डिडंट ही, ये बन गया क्वेश्चन टैग। ही गोज का क्वेश्चन टैग बना है डजंट ही और ही वेंट का क्वेश्चन टैग बना है डिडंट ही। याद रखेंगे ये हमारा पूरा क्या है, ये सेंटेंस है और ये हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन टैग। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, क्लियर। अब देखो ये सेंटेंस ये क्वेश्चन टैग है, एक बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन टैग ऑलवेज कम्स एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन टैग ऑलवेज कम्स एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में ही क्वेश्चन टैग आता है, क्लियर। और जरा एक बात देखो ध्यान से सभी लोग, क्या होगा मेन हमारा एक बात समझिए, ये जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के रूप में कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसकी क्या होगी शॉर्ट फॉर्म, कभी फुल फॉर्म नहीं आएगी। मतलब याद रखेंगे आप लोग कि क्वेश्चन टैग के रूप में, क्वेश्चन टैग के रूप में या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट हो गया, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, डजंट हो गई, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, डिडंट हो गई, क्लियर। कभी भी फुल फॉर्म में लिखे, हमेशा क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम, क्लियर। अब जरा देखो अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता यहां पर, ही डज नॉट गो, तो इसका क्या बनता क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग बन जाता डज ही, इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाता, डज ही। अब जरा देखो यहां पर क्या था, डज प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट थी, डिडंट लिखा है, डिडंट ही मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया है। यहां क्या हो जाता देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा है, क्लियर। तो याद रखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन टैग वाला पार्ट है, यहां पर केवल कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो आप, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का यूज आप कर सकते हो, क्लियर। अब एक बात यहां पे और समझो, जो सबसे मेन बात है, देखो यहां पर ही लिखा है, यहां भी ही लिखा है, मतलब याद रखेंगे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक बात याद रखेंगे, जिस टेंस में हमारा सेंटेंस है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग भी होगा, मतलब अगर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये भी बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ये भी बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है तो ये भी बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो एक बात ये समझ में आई कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, फिर सेंटेंस का टेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्लियर। सेंटेंस का टेंस प्लस क्वेश्चन टैग का टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक बात और याद रखेंगे, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव, मतलब कि अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होना चाहिए, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो क्वेश्चन टैग में नॉट होना चाहिए, क्लियर। तो एक बात यह समझ में आ गई कि किसी भी आंसर को कंफर्म करने के लिए जिस टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के रूप में कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। और हमेशा हम याद रखेंगे क्वेश्चन टैग सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, सारे पॉइंट नोट जरूर कर लेंगे आप लोग, क्लियर। क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। याद रखेंगे सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। और एक बात याद रखेंगे, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, और जिस टेंस में हमारा सेंटेंस है उसी टेंस में हमारा क्वेश्चन टैग भी होना चाहिए। आई थिंक सभी को पॉइंट बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं, ठीक है, उस एग्जांपल जरा देखते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन यहां पे बन के आएगा, जैसे एक सेंटेंस वाला एग्जाम ये दिया गया, लिखा हुआ था ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, क्लियर। अब वो क्या करेंगे, सेंटेंस ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, आगे यहां पे कॉमा लगा होगा, फिर यहां पे ऐसे ब्लैंक होगा और आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्लियर। और हमें यहां पर ऑप्शन दिए गए होंगे ए बी सी और डी, ऐसे करके हमें ऑप्शन दिए गए होंगे, क्लियर। अगर एग्जाम देखो आप सुपर टेट का या फिर यूपी टेट का या फिर टीईटी का एग्जाम आप देखो,
क्लियर। ये सीटेट के एग्जाम देखो, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको लिखे। एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% फिक्स है, आना ही आना है। अब यहाँ पे मान लो ऑप्शन में क्या लिखा था, देखो लिखा था डज ही, दूसरे में क्या लिखा है इज ही, तीसरे में क्या लिखा है इज नॉट ही, और चौथे में क्या लिखा है इजंट ही, ये लिखे हैं, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टाइप नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन टाइप क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव होना चाहिए। इनमें से नेगेटिव कौन सा है, इज नॉट ही और इजंट ही, दो नेगेटिव है, इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं और ये आंसर नहीं होगा। क्लियर, अब देखो जो सब्जेक्ट यहां पर है वही सब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए, तो ही इसमें भी दिया गया, ही इसमें भी दिया गया। क्लियर, अब देखो यहां पर इज लिखा है तो वहां पे क्या बनेगा इज नॉट, और इज नॉट का फुल फॉर्म नहीं, हमेशा क्या करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर इजंट, यहां पे इज नॉट नहीं, सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इजंट ही। क्लियर, आई थिंक सभी को बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन यहां पे हम और देखते हैं जरा, जैसे देखो यहां पे ये लिखा मिल जाता, ये लिखा मिल जाए आई हैव, इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये लिखा मिल जाए मान लो एग्जाम में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क कॉमा हैजंट आई, क्लियर, ये लिखा मिला मान लो एग्जाम में, हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब वो क्या करते हैं, इसको मान लो इस तरह से तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है ऐसे, और आगे मान लो दिया गया अगला दे दिया गया नो एरर डी पार्ट दे दिए। आपको पता है कि इसके पहले मैंने क्वेश्चन टैग का एक सेंटेंस दिया जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से बना के दिया था, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया हम उसको फिल कर देते। अब मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में बना बनाया है और हमसे क्या करते हो, ये पूछते कि इन चारों पार्ट में से एरर कहां पर हुई, गलती कहां पर हुई है। तो जरा देखो यहां पर लिखा था आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, और यहां पर क्या लिखा हैजंट आई, जबकि हमें पता है कि आई के लिए कभी हैज आता नहीं, हमेशा कौन आता हैव आता है। इस वाले पार्ट में क्या नॉट लगा, नहीं लगा है, तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा। लेकिन देखो यहां पर हैव है और वहां पे क्या हैज है, यहां पे आई वहां भी आई है, तो याद रखेंगे अगर यहां पर हैव तो यहां भी क्या होगा हमारा, यहां भी हैव होगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर हमारा क्वेश्चन टैग हैवेंट आई। तो हमारे किस कौन सा पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर बन गया है, सी पार्ट हमारा यहाँ पर आंसर बन गया है। क्लियर, तो आई थिंक ये पार्ट आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टाइप होता क्या है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएंगे। दो तरह से क्वेश्चन बन के आएंगे, एक मैंने इसके पहले दिया है और एक मैंने अभी ये दिया है, या तो पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर पूछेंगे स्पॉट द एरर में। क्लियर, अब जरा हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जरा देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके स्टार्ट होते हैं। क्लियर, अभी तक तो बिल्कुल बेसिक था, बहुत बेसिक था, सबको समझ में आ गया होगा आराम से। अब जरा देखो जैसे एक सेंटेंस दिया गया था यहां पर, मान लो एक सेंटेंस मान लो दिया गया है और हमें इसका क्वेश्चन टाइप बनाना होता है। क्लियर, यहां पर हमें क्वेश्चन टाइप बनाना होता है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, ये सेंटेंस दिया गया, इसका हमें क्वेश्चन टाइप बनाना है। यहां पर मान लो ये लिखा था ही गोज, क्या लिखा था यहां पर ही गोज, आपने सिंपल सा बना दिया डजंट ही, क्या बना दिया डजंट ही। क्लियर, ये बना दिया है। अब मान लो यहां पर लिखा होता राम गोज तो क्वेश्चन टाइप क्या बनता, तो क्वेश्चन टाइप इसका बन जाता डजंट ही। क्वेश्चन यहां पे क्या बन जाता है इसका डजंट ही। एक बात याद रखेंगे, जो सब्जेक्ट यहां पर है वही सब्जेक्ट यहां पर है, ये बात बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट कोई नाउन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। मतलब याद रखेंगे यहां पर अगर नाउन है तो यहां भी नाउन हो, ये गलत है। क्लियर, अगर यहां पर नाउन है तो यहां पर प्रोनाउन होगा, उसी से रिलेटेड होगा। जैसे यहां पे राम लिखा था तो यहां पे ही होगा, यहां पे अगर लिखा होता सीता तो यहां पे क्या होता आपका, यहां पे सी हो जाता। अगर यहां पे मान लो लिखा होता चाइल्ड तो यहां पे क्या होता हमारा इट आ जाता। मान लो यहां पे लिखा होता पीपल तो पीपल एक कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और अगर ये हमारा प्लूरल नाउन है तो यहां पे हमारा क्या बन जाता, इसके लिए दे बन जाता। क्लियर, तो हमेशा में एक बात याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है वहां पर कभी भी किसी भी नाउन का यूज नहीं हो सकता है, हमेशा वहां पर कोई ना कोई प्रोनाउन का यूज ही करना होगा, या हमेशा कोई ना कोई वहां पर प्रोनाउन का यूज ही होता है। क्लियर, आई थिंक सभी को ढंग से बात समझ में आ गई होगी। जैसे इसके हम जरा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं।
और ये वीडियो रोक के आप जरूर नोट कर लेंगे एक एक पॉइंट क्लियर कि कौन कौन से पॉइंट ये लिखाए गए हैं। जरा देखो जैसे सेंटेंस यहां पे दिया गया था, मान लो राम गोज, तो क्या बनेगा क्वेश्चन टाइप, इसका क्वेश्चन टाइप बन जाएगा डजंट ही। क्लियर? अगर लेकिन यहीं पर लिखा होता राम एंड श्याम गो, ये लिखा होता राम एंड श्याम गो, तो अब इसका क्वेश्चन टाइप क्या बनता? अब देखो यहां पर एक ये दो हो गए ना, तो बनेगा प्लूरल, और हमें पता प्लूरल के हम किसका यूज करते हैं, फिर यहां पर दे का यूज करते हैं। अब देखो यहां पे गो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू और डज आता है, तो दे के लिए कौन आएगा? डू आएगा, दे के लिए डू आ गया। क्या इस पार्ट में कहीं पर नॉट आया? नहीं आया है, तो इसमें क्या लगेगा? नॉट लगेगा, लेकिन फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, तो हमेशा कैसा फॉर्म होगा? ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डोंट दे हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो यहां पे लिखा होता मोनी मोनी कैन नॉट डू दिस, ये लिखा होता मोनी कैन नॉट डू दिस, इसका बनाना है क्वेश्चन टाइप, तो मोनी के लिए क्या आप यूज करोगे? सी का यूज करोगे, पहली चीज तो मोनी के लिए सी का यूज करोगे। अब यहां पे कैन नॉट लिखा है, कैन हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे नॉट लगा है ना, तो उधर क्या नॉट होगा? नहीं होगा, इसका मतलब यहां पे सिंपल सा केवल क्या हो जाएगा? कैन सी, कुछ भी लिखा मिल जाता। मान लो यहां पे लिखा मिल जाता शुड, शुड नॉट, यहां पे क्या लगा देते आप? शुड सी, शुड सी। क्लियर? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जिस टेंस में जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब यहां भी होनी चाहिए। क्लियर? अगर इस पार्ट में नॉट लगा तो इस पार्ट में कभी नॉट नहीं आएगा, ये बात आप याद रखोगे। अब जरा इसी में और आगे बढ़ते, तो याद रखेंगे कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट होगा, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट कोई नाउन नहीं, हमेशा कोई ना कोई उसी से रिलेटेड प्रोनाउन होना चाहिए। जरा इसी को अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। जरा देखो अगला स्टेप क्या है। क्लियर? अगला स्टेप जैसे मान लो यहां हमारा सेंटेंस दिया गया था, सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया गया है और क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। क्लियर? ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर यहां पर लिखा मिल जाए आपको समवन, समवन एनीवन एनीवन एवरीवन नो वन नो वन एनीबडी एनीबडी नोबडी या समबडी, याद रखेंगे अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इनमें से किसी भी वर्ड का यूज कर दिया जाए, जरूर इनको आप याद रखेंगे, इनमें से किसी भी वर्ड का यूज कर दिया जाए तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा कौन बनेगा? हमेशा बनेगा दे। क्लियर? वो हमेशा क्या बनेगा? हमेशा दे बनेगा, जबकि हमें पता है कि जब भी हम पढ़ते प्रोनाउन तो मानते हैं ये हमेशा होते हैं सिंगुलर, लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग हमेशा हम याद रखेंगे इनके लिए अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट जरूर नोट कर लोगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी वर्ड है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा कौन बनेगा? दे बनना चाहिए। जैसे इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, ये सभी लोग नोट जरूर कर लेंगे वीडियो रोक कर, ठीक है? अगर इसका हम एक एग्जाम्पल देखें, देखो कैसे बताएंगे इसको। जैसे मान लो ये लिखा होता समवन इज वेटिंग, समवन इज वेटिंग फॉर मी, और इसका बनाना है क्वेश्चन टैग। क्लियर? देखो यहां पे लिखा समवन इज वेटिंग फॉर मी, हमें पता है कि समवन है, यहां पे जो सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन टैग का वो क्या आएगा? दे आएगा, ये बिल्कुल याद रखोगे, वहां पर दे आएगा, ये रूल कहता है कि वहां पर हमेशा कौन आएगा? दे आएगा। अब देखो इस पार्ट में क्या नॉट लगा? नहीं लगा, तो उधर क्या होगा? नॉट होगा। यहां पे इज लिखा है, लेकिन याद रखेंगे कि समवन सिमिलर है इसलिए इज आ रहा है, जबकि दे होता है प्लूरल, तो दे के लिए इज नहीं, क्या आएगा? आर आ जाएगा, तो आर प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आंट, तो क्या बन जाएगा? आंट दे। जैसे मान लो यहां पर लिखा होता नो वन, नो वन कैन डू दिस, नो वन कैन डू दिस, और इसका बनाना है क्वेश्चन टैग। क्लियर? तो देखो नो वन लिखा है ना, तो इसके लिए कौन आएगा यहां पर? पहली चीज दे आ जाएगा, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्लियर? अब जरा देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है निगेटिव है, तो नो वन में नो पहले ही लगा है ना, इसका मतलब ये अपने आप में ही निगेटिव है, अगर ये अपने आप में निगेटिव है तो उधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए केवल वहां पे क्या करोगे आप? कैन का यूज कर दो, कर दोगे। क्लियर? तो वो सिंपल सी बात है, अगर यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन एनी वन समवन समबडी एवरीबडी, इनमें मतलब बडी और वन वाला कोई भी केस आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट होगा वो 100% कौन होगा? वो 100% दे होना चाहिए। क्लियर? जरा इसी का हम लोग अगला स्टेप देखते क्या है, ठीक है? अगला स्टेप जरा देखो क्या है।
जैसे मान लो जो हमारा सेंटेंस दिया गया, इसका सब्जेक्ट आता है समथिंग, क्या आ जाए यहां पर, ये आ जाए समथिंग, मतलब थिंग वाला कोई केस आ जाए, समथिंग, ठीक है, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नथिंग। याद रखेंगे अगर सेंटेंस जो सब्जेक्ट के प्लेस पर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा इट होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा इट होना चाहिए। जैसे यहां पे मान लो लिखा मिल जाता, ये नोट कर लेंगे जरा सभी लोग, पहले तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या नथिंग अगर यहां पे लिखा मिल जाए तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा कौन होगा, वो हमेशा इट होना चाहिए, क्लियर। जैसे इसका हम एग्जांपल अगर देखें तो ये सब लोग नोट जरूर कर लेंगे, अगर इसका हम एग्जांपल देखें, लिखा मिल जाए कहीं पर हमें समथिंग, समथिंग लुक्स गुड, लिखा मिल जाए समथिंग लुक्स गुड और इसका बनाना हो क्वेश्चन टैग, तो याद रखेंगे देखो जरा समथिंग के लिए क्या आएगा, हमेशा इट आएगा, तो इट लगा दिया गया है, ठीक है, समथिंग के लिए क्या आएगा, इट आएगा। यहां पर लुक्स लिखा है एस आई एस फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, क्लियर, तो यहां पे या तो डू आएगा या तो डज आएगा, तो इट के लिए कौन आएगा, इट के लिए हो जाएगा डज, इट के लिए क्या हो जाएगा, इट के लिए हो जाएगा डज। अब एक बात और याद रखो, ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये हमारा अफर्मेटिव है, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव है, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या बनेगा यहां पर, डजंट इट बन जाएगा, डजंट इट, तो समथिंग लुक्स गुड इसका क्या बन जाएगा, डजंट इट। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए अगर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, मतलब थिंग वाला कोई भी अगर आ जाए वर्ड, तो हमेशा उसका जो सब्जेक्ट बनेगा क्वेश्चन टैग का वो हमेशा कौन बनेगा, वो हमेशा इट बनेगा। आई थिंक सभी को ये पॉइंट बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। जरा इसी का हम लोग अगला स्टेप देखते हैं, इसी का हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। अच्छा एक बात और याद रखेंगे सभी लोग, जैसे अगर आप लोग लगे कि हमारे बोलने की स्पीड कुछ ज्यादा तेज है, जनरली हमारी होती है, तो अगर हमारे बोलने की स्पीड कुछ जाती है आपको लगे तो यूट्यूब पर ऊपर एक ऑप्शन होता है जहां से आप उस वॉइस की स्पीड को स्लो कर सकते हो, अगर किसी को स्लो लगे तो बढ़ा भी सकता है, क्लियर, और अगर किसी को स्पीड तेज लगती हो क्या कर सकता है, वहां से स्लो कर सकता है, तो आवाज स्लो करके भी आप उसको सुन सकते हो, क्लियर। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि हमारी मतलब बोलने की स्पीड हो सकता है कि आपको लगे काफी तेज है, ठीक है, तो आप वहां से सही कर लोगे। चलिए जरा देखते अगला पॉइंट, जैसे मान लो कोई सेंटेंस ऐसा दिया जाए जिसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया ही ना जाए, जिसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे देखो क्या लिखा है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, या फिर जैसे लिखा मिल जाए डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, अगर इनका बनाना पड़ जाए क्वेश्चन टैग तो कैसे बनेगा, मतलब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे लिखा मिल जाए यहां पर सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट सिट हियर, डोंट वेट फॉर हिम, कुछ भी यहां पे लिखा मिल जाए, याद रखेंगे हमेशा हम इंपरेटिव है। तो जरा देखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, और अगर मान लो उसके बाद ही बंदे ने दरवाजा नहीं खोला तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्या नहीं खोलेंगे, तो जरा देखो जो क्वेश्चन पुट अप हो रहा कहां जा रहा है, ये जा रहा है फ्यूचर में। तो हमेशा हम याद रखेंगे एक बात कि अगर सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, अगर सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो हमेशा क्वेश्चन टैग बनेगा वांट यू, क्योंकि हमें पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा हिडन होता है, क्लियर। अब यहां पे वांट यू कहां से आया है, याद रखेंगे विल प्लस नॉट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है वांट, क्लियर। जैसे देखो एक वर्ड हमारा है सेल, सेल प्लस नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है, वो बनती है सेंट। एक हमारा है एम प्लस नॉट, एम प्लस नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है, आंट, ए आर ई एन कॉमा टी। एमेंट नहीं याद रखेंगे क्वेश्चन टैग में, एमेंट का यूज कभी नहीं होगा, हमेशा हम याद रखेंगे एम प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आंट होती है, और इनके अलावा जितने भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनमें केवल एन कॉमा टी लगा दो उसका नेगेटिव फॉर्म बन जाता है, जैसे कैन नॉट का कांट हो जाता है, डू नॉट सॉरी डज, डू प्लस नॉट का डोंट हो जाता है, डज प्लस नॉट का क्या हो जाता है, डजंट हो जाता है। ये तीनों आप याद रखोगे, विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट होता है, सेल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सेंट होता है, और एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वो आंट होता है, ए आर ई एन कॉमा टी, क्लियर। ये जरूर पॉइंट नोट कर लेंगे आप।
विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, शैल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म सेंट होता है, और एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आंड होता है। क्लियर? जरा देखो रूल क्या, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो क्वेश्चन टैग हमेशा बनेगा वांट यू, और अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग डोंट से होती है तो हमेशा क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। ये उनको रट लेंगे आप, कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे यहां पे लिखा मिला था ओपन द डोर तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा वांट यू, यहां पे लिखा मिला डोंट ओपन द डोर तो क्या बन जाएगा यहां पर इसका बन जाएगा विल यू। मान लो यहां पर लिखा मिल जाता कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या लिखा मिल जाता मान लो, मान लो यहां पर इसको जरा मिटाता हूं, देखो जरा सभी लोग, एक तो क्वेश्चन हमारा हो गया है। मान लो हमें ये लिखा मिल जाता एग्जाम में, ये लिखा मिल जाता ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इसका बनाना क्वेश्चन टैग। तो ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सेंटेंस शुरू कहां से हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, अगर सेंटेंस शुरू होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा वांट यू बन जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या बन गया यहां पर, ये हो जाएगा वांट यू। अब यही अगर मान लो लिखा होता डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यह भी क्या लिखा होता, यही भी मान लो लिखा होता एग्जाम में डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाता, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाता विल यू। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना, आई थिंक सभी को ढंग से पॉइंट समझ में आ गया होगा। जरा इसका अगला स्टेप देखो, इसका अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप, अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ है लेट से, ठीक है, या फिर कोई भी सेंटेंस शुरू हुआ लेट से, जैसे हम लेट अस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लेट अस बोलते हैं, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है लेट अस के, हमें पता है लेट लेट्स में ये अस हिडन है और अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बन जाएगा वी बन जाएगा। एक बात याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये लेट क्या है, लेट का मतलब होता है दो या दीजिए, लेट्स का मतलब होता है आओ या चले, मतलब ये परमिशन की बात करता है और ये सजेशन की बात करता है। क्लियर? ये किसकी बात करता है, ये परमिशन की बात करता है और ये किसकी बात करता है, ये सजेशन की बात करता है। याद रखेंगे परमिशन और सजेशन, ठीक है, परमिशन और सजेशन जो हमारे हैं ये इनको हम निगेटिव नहीं बनाते हैं, हमेशा क्या करते हैं इनको पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब एक सजेशन या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है लेकिन वो निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर? हम जनरली ये नहीं बोलते किसी से कि चलो ये काम ना करें, ठीक है, चलो आज नहीं पढ़ते हैं, ना ये नहीं, चलो पढ़ते हैं। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। और जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस देखो, सेंटेंस दूं अगर ये पहले देखो इसको समझ लो, अगर लेट दिया गया है या लेट्स दिया गया है, बहुत सिंपल सी बात, अगर सेंटेंस की शुरुआत में लेट आया है तो 100% क्वेश्चन टाइप बनेगा विल यू। क्या बनेगा? विल यू। याद रखिए यहां पर निगेटिव नहीं होगा, लेट और लेट्स एक ऐसा केस है जहां पर निगेटिव नहीं बनाओगे। अगर लिखा मिल जाता है यहां पर लेट्स तो क्वेश्चन टाइप यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सेल्फ वी, ये रट लो बिल्कुल। अगर स्टार्टिंग में लेट दिया गया है तो क्वेश्चन टाइप बनेगा विल यू, अगर लेट्स दिया गया है तो क्वेश्चन टाइप क्या बन जाएगा यहां पर, क्वेश्चन टाइप बन जाएगा इसका सेल बी। जैसे मान लो लिखा मिल जाए यहां पर, मान लो यहां पर लिखा मिल जाए लेट्स वॉच टीवी, लेट्स वॉच टीवी, तो क्वेश्चन टाइप क्या बनेगा इसका, क्वेश्चन टाइप बन जाएगा इसका सेल बी, खत्म। क्वेश्चन टाइप क्या बन जाएगा, सेल बी। मान लो यहां पर लिखा मिला लेट मी गो, लेट मी गो, तो इसका क्वेश्चन टाइप क्या बन जाता, क्वेश्चन टाइप बन जाता है इसका विल यू। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है लेट से तो क्वेश्चन टाइप बनेगा विल यू, और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है लेट्स से या लेट अस से तो हमेशा क्वेश्चन टाइप बनेगा हमारा यहां पर सेल बी। क्लियर? एक इसका लास्ट पॉइंट और जरा देख लो सभी लोग, लास्ट पॉइंट और देख लो इसका, लास्ट पॉइंट और देखो, जैसे एक हमारा यहां पर दिस या दैट, याद रखेंगे अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा इट बनेगा, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज है, दीज या दोज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, दे बनेगा। ये याद रखोगे, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा इट बनेगा, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, दे बनेगा। क्लियर? जैसे इसका भी अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपल सा, अगर ये लिखा मिल जाए दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, और इसका बनाना है क्वेश्चन टैग, तो सिंपल सा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इजंट इट, क्या बन जाएगा, इजंट इट।
क्लियर, क्योंकि हमें पता है ये संधि हमारा अफर्मेटिव में मतलब पॉजिटिव में है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव में। यहां पर इज है तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा था, दिस लिखा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अगर यहां पे दैट लिखा होता तब भी यहां पे इट होता, अगर यहां पे दीज होता, यहां पे आर होता, तो यहां पे क्या बन जाता, आंट दे बन जाता। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन टाइप का बिल्कुल लास्ट पॉइंट। तो क्वेश्चन टाइप में कुछ बातें बिल्कुल याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्वेश्चन टैग ऑलवेज कम्स एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आता है। दूसरी खास बात क्या थी, सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसा होगा क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट वैसा ही होगा, जिस टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी टेंस में क्वेश्चन टैग भी होगा। क्लियर, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन एनीवन या समबडी एनीबडी मतलब वन या बडी वाला कोई केस है तो हमेशा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनता है, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग एनीथिंग नथिंग का कोई केस आया है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा इट बनता है। क्लियर, अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो क्वेश्चन टैग हमेशा वांट यू बनता है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग डोंट से होती है तो क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू बनता है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से होती है तो क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू बनता है, और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट अस से होती है तो हमेशा क्वेश्चन टैग शैल वी बनता है, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो दे हो जाएगा। और याद रखेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की फुल फॉर्म का यूज नहीं हो सकता है। क्लियर, तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट इसके नोट जरूर कर लेंगे, वीडियो को एक बार और देख लेंगे और एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। ये मान लो कि आपके अगला कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो एफसीआई का एग्जाम आपका आ जाए, चाहे अभी आज 10+2 का फॉर्म आ चुका है, 10+2 का एग्जाम आ जाए, या आने वाले कोई भी हमारा एग्जाम होगा, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। तो आज हम लोग केवल दोस्तों यहीं तक बातें करेंगे, बाकी अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।